हल्द्वानी पहुंची आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रचारक प्रियंका गांधी ने जमकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड का कोई भी विकास नहीं किया। आज मैंने यहां देखा कि उत्तराखंड की महिलाएं शेरों से भी लड़ सकती हैं। दुनिया में उत्तराखंड की महिला सबसे बहादुर हैं। जो महिलाएं शेर से लड़ सकती हैं वह सत्ता का 1 मिनट में परिवर्तन कर सकती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो 500 से ऊपर सिलेंडर के दाम नहीं होंगे और रोजगार को लेकर किसी भी युवक युवती को परेशानी नहीं होगी। हमारी पहली प्राथमिकता उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का विकास है, क्योंकि भाजपा के अंदर केवल दिखावा है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि आज जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है और प्रियंका गांधी का समर्थन करने के लिए सुबह से ही लोग यहां मैदान पर बैठे हैं, इससे साफ होता है कि 2022 में उत्तराखंड की सरकार बनेगी और भाजपा का पूरी तरह से सफाया होगा। क्योंकि जो लोग मुझे हरदा कहते हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि मैं हारने के बाद भी चुनाव लड़ता रहता हूँ, और ये जनता से पूछें कि मैं हरदा हूँ कि हरदा हूँ, जनता के दिलों में रहता हूँ और इस बार जनता का प्यार मुझे मिलेगा और मैं उत्तराखंड का विकास करूंगा। आज मैं गई हूं अभी तक, मैंने जनता में बहुत उत्साह देखा है और ये बहुत स्पष्ट है कि जनता उग चुकी है। यहाँ पे जो रोजगार पैदा करना चाहिए था वो नहीं किया गया है। यहाँ पे महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी, आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पूरे देश में, कैसे हो सकता है ये? यहाँ इतने मौके हैं, इतनी प्राकृतिक सुंदरता है, इतना पर्यटन के व्यापार के मौके हैं, तमाम छोटे छोटे व्यापार के मौके हैं और पिछले 5 सालों से कुछ नहीं किया गया। अब नवयुवक सारे बेरोजगार हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक गैस सिलेंडर पहाड़ में पहुँचते 2000 का हो रहा है, तो परिस्थितियाँ ये हैं। स्वाभाविक है कि जनता थक गई है, जनता परिवर्तन चाहेगी। मैम, भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम 60 के पार जाने का वादा कर लिया भाजपा सरकार, क्या घोषणा कर रही है भाई? घोषणाएं हमने जो की है, जो हमारे घोषणा पत्र में लिखी है उसमें तमाम घोषणाएं हैं। उसमें सबसे पहली तो ये है कि जो हजारों खाली पद पड़े हैं सरकारी, सबसे पहले तो वो भरे जाएंगे। फिर हमने कहा है कि जो गैस का सिलेंडर है जो आज आपको 1000-2000 में मिल रहा है, 500 से ज़्यादा हम उसका दाम बढ़ने नहीं देंगे। इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं हैं जो सिर्फ, देखिए, सिर्फ घोषणा के तौर पे नहीं है, इनको पूरा किया जाएगा क्योंकि अनुभव है सरकार चलाने का। आप सोच सकते हैं कि एक सरकार जिसमें बार बार मुख्यमंत्री बदला जा रहा है तो अनुभव है ही नहीं ना, इसलिए सरकार चलाना नहीं आता। मैम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है कि सरकार बनते ही सिविल ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है? उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे, समझे? उनसे कहिए रोजगार दिलवाइए, महंगाई हटाइए, लोगों को मजबूत बनाइए, तब ये सब बातें हों। चित है, कांग्रेस सरकार बना रही है, जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। प्रियंका गांधी जी के आगमन ने जनता के इस निश्चय को और ऊंची उड़ान दे दी। जो महिलाओं के घोषणा पत्र का प्रियंका गांधी ने भी कहा कि उत्तराखंड का जो है विकास होगा, तो क्या एजेंडा है मेन उत्तराखंड को किस लेके आप जनता के बीच में गए थे? हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम राज्य को एक उन्नतशील राज्य के रूप में, एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में और रोजगार मूलक राज्य के रूप में आगे बढ़ाएंगे। किसान और महिलाएं और दलित पिछड़ा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगा और नौजवान के लिए रोजगार सृजन हमारा राज्य धर्म हो। उनका कहना है, भाजपा का कहना है कि पैराशूट प्रत्याशी के रूप में हरदा को देखा जा रहा है, कभी कहीं लड़ते हैं कभी कहीं लड़ते हैं। वो उनको बेचैनी क्यों हो रही है? हम लड़ते तो हैं ना, और जब तक भाजपा को हम उत्तराखंड से विदा नहीं कर देंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे।